भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट से नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना आयोजित कोरखोर कार्यक्रम आता जी भाषण के आमचे मित्र आमचे नेते आमचे आमदार नितेश राणे जी ज्यांच्यासाठी आप सगळे इथे उपस्थित झाला असे आमच्या सेलचे अध्यक्ष तडफदार युवा नेतृत्व हाजी आराफत शेख मंचावर उपस्थित जाहीर भाई उत्तम अग्रवाल जी उपस्थित बंधु भगिनी आणि मातांनो आज माझ्या समोर प्रश्न पडलाय की मी काय बोलू कारण हाजी अराफत यांनी आज इतके फटके मारले चौके में चौका चौके में चौका। अब वो कम था इसके लिए हमारे नितेश राणे साहब ने छक्के पे छक्के मारे अरे यार दोघांनी मला काही बोलण्यासारखं सोडलेलंच नाही। खऱ्या अर्थानं हे दोघेही जे बोलत होते ना ही मुंबईकरांची दर्द व्यथा बोलत होते। हाजी अराफत म्हणाले की या सभागृहात जे कोणी बसले यातल्या कोणाला सुखाचा अनुभव या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मिळालेला नाही। दर्द आणि दुःख हे मुंबईकरांना राज्यातल्या जनतेला पाचवीला पुजण्यासारखं आहे आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये या पोलखोलच्या सभा आम्हाला करायला लागतायत याच कारण आहे कि इथे बसलेले केवळ नाही संपूर्ण मुंबई शहरात आणि राज्यात ज्या सगळ्या समस्या आहेत त्या मांडायच्या पुढे हा प्रश्न खरं तर राणे साहेब या सगळ्या समस्या मांडायची जाय हे महाराष्ट्राचं विधानसभा मुंबई महानगरपालिकेचं सभागृह पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये विधानसभेची अधिवेशन संपूर्ण झाले नाही। एक शेवटचं झालं त्यात मुख्यमंत्री महोदय आले नाही। मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभा होते मग ह्या ज्या सगळ्या लोकांचे प्रश्न आहे ते मांडायचे कुठे ही पोलखोल जी आहे हे पोलखोल जनता की अदालत है जनता की अदालत। आज वाहतूकदार येते रिक्षा टॅक्सी बस ट्रक टेम्पो चालक मालक कामगार मजदूर हा मेळावा मजदूरांचा मेळावा हा पंचतारांकित हॉटेलमधल्या इम्पोर्टेड परफ्यूम मारून कॉन्फरन्स मध्ये बसणाऱ्यांचा मेळावा नाही आहे। इथे आला तर तुम्हाला घामाचा सुवास येईल इथे आला तर प्रत्येकाच्या पायात चप्पल ही तुम्हाला झिजलेली दिसेल इथे आला तर प्रत्येकाची शर्ट आणि पॅन्ट ही विस्कळीत दिसतील इस्त्रीने कडक दिसणार नाही पण इथे आलात तर तुम्हाला एकच खुशबू दिसेल जी सत्तेत बसलेल्या ठाकरे सरकारच्या कुठल्याही मंत्र्याकडे नाही ती खुशबू इथे असलेल्या प्रत्येकाकडे आहे ती म्हणजे इमानदारी इमानदारी आणि इमानदारी। बेईमानोची सरकार ये ठाकरे सरकार बेईमानोची सरकार आहे इसको बेनकाब करना चाहिए पोलखोल बेनकाब करने के लिए है। ये मजदूरों की बात है इसके लिए कहता हूं कि आपकी और मेरी जंग
ये गरीबी से गुर्बत से है। जब आप और हम नजर आए जो हाजी भाई ने कहा वो गुर्बत के खिलाफ गरीबी के खिलाफ है, और किसी ने सही कहा है गुर्बत खैरात से कम नहीं होती, गुर्बत खैरात से कम नहीं होती, वो इंसाफ से कम होती है। और भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल की लड़ाई ये इंसाफ की लड़ाई है। क्या क्या बातें चल रही है अब हमारे किसी भाई ने मुझे बताया, एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस कराने से 7,000 रुपए तुम्हें उल्लेख करा रहा हूं, लाइसेंस 7,000 रुपए ने अप्लाई किया, 107 रुपए एक्सेप्ट आणि रिजेक्ट केलं फक्त 85 रुपये, म्हणजे 55,000 लोकांना तुम्ही लायसन्स देताय पण त्यांची टेस्ट तर करा, त्यांना गाडी चालवता येते की नाही तो बघा, राईट लेफ्ट कळते का बघा, मिरर सेंटरला असतो की नाही ते तर विचारा, साईड मिरर मध्ये काय बघायचं असतं ते तर माहिती करून घ्या, कशाचा कशाला पत्ता नाही, केवळ दलालांची दलाली वाढली पाहिजे म्हणून परिवहन विभाग काम करतोय अशी स्थिती आहे। आणि म्हणून मी म्हटलं राणे साहेबांनी जे बोलले ते खरं आहे, महाराष्ट्र राज्याला परिवहन मंत्री नाही, महाराष्ट्र राज्याला परिवहन मंत्री माहितीच नाही, महाराष्ट्र राज्याला परिवार मंत्री माहिती आहे। आणि म्हणून एक प्रश्न त्या ठिकाणी उभे राहत आहे, शिवसेनेने आता मेळावा घेतला सभा घेतली त्या सभेमध्ये म्हटले हृदयात राम आणि हाताला काम, हृदयात काय राम, तुम्ही आम्हाला राम दिला भगवान श्रीराम, पण हृदयात राम आणि हाताला काम। मी आधीच घेऊन आलो मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेली 25 वर्ष शिवसेनेचं सरकार आहे, इथे मजदूर गरीब कामगार बसलाय, तुम्ही नीट ऐकून घ्या, हाताला काम म्हणतात। गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई महानगरपालिकेत 26,000 पद रिक्त आहे, 26,000 लोग आज भी बीएमसी में काम पर लग सकते हैं, लेकिन शिवसेना के लोगों को लगाना नहीं है, पद खाली रखा, पोस्ट वैकेंट, लेकिन किसी को काम नहीं दिया, कसल हाताला काम। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपल्या मुंबईमध्ये जे नाले उतार सिवरेज लाईन खाली जाऊन साफ करतात ते आपले बंधू जे आहेत ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ज्यांचा मृत्यू झाला कामावर, याच 100 मध्ये खाली गेले व येऊच नाही शकले, त्या गॅसमुळे गेले, कोणी वाहून गेले, कोणी चिखलात रुतले, असे गेल्या 25 वर्षामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या मुंबई शहरामध्ये, आश्चर्य वाटेल दुःख होईल तुम्हाला, 3,000 लोक मेले, मृत्यूमुखी पडले नगरवासी, या 3,000 लोकांची चतुर्थ श्रेणीची मृत्यूमुखी पडली, त्यांच्या विधवा गेल्या 4 वर्ष महापालिकेत चक्कर मारताय चक्कर मारताय चक्कर मारताय, आमचा नवरा मेला हो कामात ड्युटीला गेला, अनुकंपा तत्वावर आम्हाला नोकरीला लावा, घरातली चूल भेटत नाहीये, घरातली मुलं छोटी आहे, शाळेची फी भरता येत नाही, आणि पीटी केस म्हणून आमचं केस कन्सिडर करा, कसलं हाताला कामची गोष्ट करताय,
या विधवांचं सुद्धा दुःख या ठाकरे सरकारला दिसत नाही. हे सरकार तुम्हाला न्याय कायदी 3000 पीटी केसेस अजून तशाच पडलेल्या महापालिकेमध्ये कंत्राटी कामगार ठेवलेत. कंत्राटी कामगार अजिबाई कभी ये भी विषय लेना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी है, परमानेंट नहीं है. घर वाले को लगता है बीएमसी में काम पर लग गया. बीएमसी जब जाता है तो उधर उसका मुखादम बोलता है आज नहीं कला. रोटी घर से लेके जाता है, दरवाजे पर बैठता है, लगता है अभी कोई बुलाएगा, अभी कोई बुलाएगा, दो वक्त की रोटी कमाने का मौका मिलेगा, मिलता नहीं है. ये सब समस्या के बाद अगर उनको उस दिन का जॉब मिला तो कंत्राटी कर्मचारी बीएमसी में 25,000 है. 25,000 उन 25,000 कर्मचारियों का बीएमसी 80,000 करोड़ रुपया फिक्स डिपोजिट में रखती है. लेकिन 25,000 कर्मचारियों का जो आपको मुझे सेवा देते हैं उनका प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करती. उनके हक का प्रोविडेंट फंड बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी दमन कर डालते हैं. ये कौन सा हक को काम है? हम उद्धव ठाकरे जी की सरकार को पूछना चाहते हैं. 3000 बेवाएं वहां चक्कर मार रही है. 25,000 पर 26,000 पोस्ट वैकेंट है. 25,000 कर्मचारियों को पीएफ उनका खाया जा रहा है. कल परसों की तो बात है, आप पेपर में पढ़ते होंगे, बीएसटी का उल्लेख राणे साहब ने किया. बीएसटी के ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए हैं. बांद्रा, वर्ली, घाटकोपर, गोरेगांव, मानखुर्द इस जगह के सभी ये कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हुए बीएसटी के जो कर्मचारी है 3-3 महीने से उसको बीएसटी ने पेमेंट नहीं किया. आप कल्पना करो 3-3 महीना अगर पगार नहीं मिलता वो घर पे क्या खाएगा, क्या करेगा? पीएफ छोड़ो, रोज का अलाउंस उनको नहीं मिलता. ये कौन सा हाथ को काम है? और इसके लिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है. हम तो उनको सवाल खोल खोल में इतना ही पूछते हैं, भाई हम आपसे पूछते इतनी बात है, एक एक रुपए का हिसाब दो. जो राणे साहब ने कहा सही है, मैं मजदूर हूं, मैं कामगार हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, लेकिन मैं मुंबई का हूं ना. बीएमसी ने मुझे जो मेरे हक का है वो तो देना चाहिए ना. उद्धव ठाकरे जी ने 5 साल पहले वादा किया था आपसे, वादा आप लोग भूल गए. आप भूलते हैं उसी का वो लोग फायदा उठाते हैं. वो वादा आप सबसे किया था 24 घंटा पीने का पानी दूंगा, 24 घंटा. मैं कोई भी गली में खड़े होकर पूछता हूं, मैं आपसे भी, इतनी बहने यहां पर बैठी है, मैं आपसे भी पूछता हूं क्या 24 घंटा पानी आता है? 15 घंटा आता है? 10 घंटा आता है? 5 घंटा आता है? 2 घंटा आता है? 2 घंटा आता है. राणे साहब की स्थिति है. मैंने पूछा बीएमसी वालों को, भाई आपने वादा किया था 24 घंटा पानी का, खर्चा कितना किया? उन्होंने जवाब दिया, हमने 24 घंटा पानी का वादा किया, हमने कंत्रा कॉन्ट्रैक्ट निकाला. मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट निकाला, कितने का निकाला? उन्होंने बोला स्टैंडिंग कमेटी को बताया. हमने बोला भाई स्टैंडिंग कमेटी को बताया तो कितने रुपए का बताया? उन्होंने बोला 35,000 करोड़ का बताया. मैंने बोला 35,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया? उन्होंने बोला हाँ दिया. मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्टर ने जमीन के नीचे बोखला किया.
मैंने बोला जमीन के नीचे भुगता क्या किया? बोला पीने का पानी लाने के लिए किया। मैंने बोला पीने का पानी के लिए भुगता किया लेकिन पानी नहीं आया, उसका क्या? वो बोला उस भुगते में पानी आने वाला है। मैंने बोला भुगते में पानी कब आने वाला है? उन्होंने कहा जब तालाब भर जाएगा तब आने वाला है। मैंने बोला तालाब तो भरेगा? उसने बोला जब हमारा ध्यान बनेगा। मैंने बोला ध्यान कब बनेगा? उसने बोला जब उद्धव जी परमिशन देंगे। अब 35,000 करोड़ गया, पीने का पानी नहीं आया, जमीन के नीचे भोगदा हो गया और तुमको 2 घंटा बनेगा। क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए? पैसा खाने की लत ये इनको इतनी रही है। अरे हृदय में राम नहीं, इनके मुंह में रावण है और रावण के जैसा ही खाते जा रहे। रोड के खड्डे में खाओ, रोड में खाओ, स्कूल रिपेयरिंग हजम करो, कचरा साफ करना हजम करो। अरे यहां तक क्या मैंने उस दिन बताया? ते म्हणून लक्ष्मी मंदिर साहेबांना पाणी सांगत, हर चीज में खा, हर चीज में खाना। और इसीलिए दोस्तों मैं अंत में इतना ही कहूंगा, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में मजदूर साथ में होना पड़ेगा और उस लड़ाई का अंजाम क्या होगा वो मैं इतनी 4 लाइनों में बयां करता हूं, क्योंकि आपके लिए लड़ना है बीजेपी ने तय किया है। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।